अब अपने जू में काफी सारे नए एनिमल आ चुके हैं और जो लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट में पूछा था, जितने भी एनिमल्स कमेंट में सजेस्ट किए गए थे मैंने ज्यादातर सारे के सारे परचेज कर लिए हैं और उनके लिए भी बेसिक हैबिटेट बना दिए हैं और बाकी उसके बाद अब प्रॉपर उनके हैबिटेट में जो है कुछ चेंजेस करने हैं। बाकी एनिमल्स काफी सारे आ गए हैं तो वेलकम है प्लांट जो कि एक और नई वीडियो में। तो जो मैं एनिमल लेके आया उसमें सबसे पहला एनिमल तो है चीता। ये रहा चीता यहाँ पे और चीता के लिए मैंने अलग से हैबिटेट बनाया और ये चीता यहाँ पे बैठा है। थोड़ा सा इसको आगे से देख लेते हैं। बाकी इसके यहाँ पे घास काफी ज्यादा हो रखी है, थोड़ी सी इसकी घास कम करनी है। मतलब ये लॉन्ग ग्रास है, यहाँ शॉर्ट वाली ग्रास करनी है चीता के लिए, क्योंकि चीता को थोड़ी सी शॉर्ट ग्रास ज्यादा पसंद होती है। और जो बाकी दूसरा लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ये वाले मंकी। तो ये जापानीज मकैक है और ये यहाँ पे घूम रहे हैं। दो लेके आया था, ये भी काफी सारे हो गए हैं। तो ये वाला वो मंकी है, तो ये जापानीज मकैक। और अभी ये कितने हैं इस वाले हैबिटेट में मैं देख भी लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा था काफी सारे हो गए थे। तो एक ये रहा दो और इधर की साइड तो एक ये रहा, एक ना छोटा बेबी है और ये ऐसे दो तीन और भी हैं। तो ये काफ़ी सारे हो गए हैं और बाकी इनका हैबिटेट वैसे मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है, बस इनकी घास थोड़ी बड़ी हो गई है तो ये घास थोड़ी काटनी है। और बाकी इनके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये बना रखा है एनरिचमेंट के लिए और काफ़ी सारे आइटम रखे हुए हैं एनरिचमेंट के लिए, जैसे यहाँ स्प्रिंकलर रखा हुआ है, ये बॉल रखी हुई है इनके खेलने के लिए। तो इनका एनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी और एनिमल्स दिखाता हूँ क्योंकि एनिमल्स काफ़ी सारे हैं। और वैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पुल भी बना दिया, तो ये पुल जो है इधर से यहाँ पे आ जाता है रिवर के साइड और एक ये यहाँ से आ जाता है। बाकी ये वाले सारे हैबिटेट तो मैंने पहले दिखा दिए थे। ऊपर ये हिमालयन बैर वाला है और जो पहला हिमालयन बैर था वो ओल्ड एज से मर चुका है। ये दूसरे वाला बैर है जो मैं लेके आऊँ और अपना एलिफेंट वहाँ पे सामने था ही, एलिफेंट का तो वो रहा सामने। तो ये रहा एलिफेंट का, एलिफेंट यहाँ पे आराम कर रहा है और कुछ अलर्ट किया क्या आ रहा है। एक तो ये अपना सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल वगैरह, एक बार ये थोड़े डिजीज हैं इनके लिए वेट असाइन कर देता हूँ। और वैसे मैं यहाँ पे आए गया है तो मैं दिखा भी देता हूँ कि ये मैं सोल्ट वाटर वाले क्रोकोडाइल भी लेके आऊँ। ये भी दो लेके आया था, ये भी काफ़ी सारे हो गए हैं, ये छोटे छोटे ही मैंने देखे थे। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे एनरिचमेंट के लिए लगा रखा है। बाकी ये स्प्रिंकलर है और एक छोटा क्रोकोडाइल मैंने यहाँ पे देखा भी, ये रहा। बाकी जब मैंने जू तैयार किया था तो मैं पांडा को लेके आया था, बट उसके बाद पांडा को मैंने सेल कर दिया था क्योंकि उस टाइम पांडा के लिए जो हैबिटेट बनाया था उसमें वो बड़ी बड़ी फेंस बनाई थी 10 मीटर की, उनको भी चढ़ के चला जा रहा था। बट क्या है कि अभी मैंने जो ये पांडा के लिए हैबिटेट बनाया है इसमें फेंस दूसरी तरह की लगाई है और ये है पांडा, ये मैं फिर से परचेस करके लेके आया हूँ। तो ये यहाँ पे इसके पानी के लिए प्रॉपर मैंने पाइप यहाँ पे लगा दिया है, तो मतलब यहाँ पे कीपर्स को बड़ा पानी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पानी यहाँ पे आता रहता है। बाकी इसके लिए मैंने फेंसिस लगाई हैं, वो फेंसिस ये वाली हैं और ये फेंसिस इलेक्ट्रिक वाली हैं, तो ये इलेक्ट्रिक वाला सॉल्यूशन ही इस पर काम करा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिस के पास आ नहीं सकता, तो अभी हैबिटेट में आराम से रहता है। बाकी इसके लिए मैंने छोटी सी एक केव तैयार करी है, मतलब अभी टेम्प्रेरी तैयार की है और अभी अंदर अंधेरा हो रहा है तो इतना दिख नहीं रहा। बाकी अभी के लिए इसकी वाली केव ठीक है, जब यहाँ पे एक दो पांडा में और लेके आऊँगा तब मैं यहाँ बड़ी केव बना दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रखे हैं ये बोंगो, तो ये एक बाहर निकल के भाग गया था इसलिए बॉक्स में पैक हो रखा है, क्योंकि अपनी वेट जो इसको बाहर से पकड़ लेके आई थी, इसको भी एनिमल को अनबॉक्स कर देता हूँ। तो ये है बोंगो और ये एक, इसको क्या हुआ, ये मर भी गया। इसको चलो वेट को बुलाते हैं, उसको उठवाते हैं। और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला यहाँ पे भाग गया ये रहा। तो ये है बोंगो और ये मुझे तो हिरण की तरह लग रहे हैं, बट गेम में इसको बोंगो बोल रहे हैं इसलिए मैं इसको बोंगो बोल रहा हूँ। बट मुझे ये हाँ कुछ तो डिफरेंट है, इस पर ये पैचेस से है ना, जो हिरण है उस पर पैच वगैरह नहीं होते, लाइन वगैरह नहीं होती, कुछ उस पर जैबरा टाइप की लाइन भी है पीछे। बाकी यहाँ पे इसको बोंगो ही बोल रहे हैं तो ये बोंगो लिखा आ रहा है। यहाँ पे भी इसके एनेजमेंट के लिए ये बॉल वगैरह मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अभी यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। और बाकी इसके अलावा ये वाला हैबिटेट जो है टाइगर का था, तो मैं यहाँ पे टाइगर लेके आया था, बट वो टाइगर जो है मर चुका है, वो शायद ज़्यादा एज का था जब मैंने परचेज किया तो वो जल्दी ही मर गया। बाकी मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन सा टाइगर लेके आया था, तो मैं यहाँ पे लेके आया था, ये मेमोरियल्स में आ रहा है। तो ये अभी ये वाला टाइगर था, ये बंगाल टाइगर जो यहाँ पे आ रहा है डाइड ऑफ ओल्ड एज। तो शायद मैंने जब ये बंगाल टाइगर परचेज किया तब शायद थोड़ी से ज़्यादा एज थी इसकी, तो ये जल्दी मर गया। बाकी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे एनिमल मार्केट में कोई अगर नया टाइगर आया होगा सेल के लिए तो ले लेंगे। ऐसे ही बंगाल टाइगर सर्च करते हैं, बंगाल टाइगर हाँ ये अवेलेबल है, मिल तो रहा है, तो ठीक है इसको तो अडॉप्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कंजर्वेशन क्रेडिट्स हैं, क्योंकि अब जू काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और जहाँ पे जो गेस्ट हैं उनका हैप्पीनेस की रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और ये कंजर्वेशन क्रेडिट से मेरे को काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो इन कंजर्वेशन क्रेडिट से मैं नए एनिमल्स परचेज कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ये बंगाल टाइगर परचेज किया, तो ठीक है एक बंगाल टाइगर आ गया है। अब इसको सीधा इसके हैबिटेट में भेजते हैं, क्योंकि हैबिटेट तो मैंने पहले से तैयार कर ही रखा था। बाकी इसकी मैंने एज ही नहीं देखी, मैंने जल्दबाजी में ऐसे परचेज कर लिया, एक बार इसकी एज भी देख लेता हूँ। तो भी ये 4.7 ईयर की, एक बार देख लेते हैं जूपीडिया में कि टाइगर की जो है नॉर्मल एज कितनी होती है। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर का देख लेते हैं, यहाँ पूरा पता चल जाएगा। ये है बंगाल टाइगर और इनकी स्टैट्स में, ये तो नेचुरल हैबिटेट चाहिए तो मैंने इसके हिसाब से बना रखा है। तो स्पीशीज डाटा में यहाँ पे दिख रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 ईयर और ये 15 ईयर,
ठीक है तो अभी 4.5 ईयर है अभी तो काफ़ी लाइफ बची हुई है। तो पहले ही वाला शायद 9 ईयर या 9.5 का था, वो तो जल्दी चला गया। मतलब कि गेम में जो है ईयर्स काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, ये जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, तो ये फटाफट से यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है, ईयर चेंज होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे अपना दूसरा टाइगर आ चुका है, और बाकी वो है कहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट में तो अभी डिलीवर हुआ नहीं है। मैंने वैसे बोला था हैबिटेट में डिलीवर करने के लिए। बाकी टाइगर के हैबिटेट में मैंने यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा रखा है, ये रबिंग पैड लगा रखा है, क्योंकि टाइगर को ये रबिंग पैड भी चाहिए होता है। और एक मैंने यहाँ पे छोटी सी केव बनाई है इसके लिए, छोटी तो नहीं है, है तो काफ़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ से मैंने ये काफ़ी बड़ी बनाई है इधर। और इसके अंदर 3 या 4 टाइगर रह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर टाइगर्स जो है लेके आने वाला हूँ। अभी एक फीमेल टाइगर आई है, एक मेल टाइगर और लेके आएंगे, और उसके बाद देखेंगे उनकी फैमिली कितनी ग्रो होती है। और यहाँ पे जो है काफ़ी जगह है, अभी इसको भी थोड़ा सा मैं अंदर साइड करके यहाँ पे भी इनके लिए वाली घास डाल दूंगा। अभी फिलहाल एक ही टाइगर है तो इतनी घास काफ़ी है, और वो टाइगर भी वैसे आने वाली है, अभी आई क्यों नहीं। और बाहर स्नो पड़नी शुरू हो गई, तो ये आ चुकी है यहाँ पे टाइगर येरी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही है देखने में, ये सही है, हेल्दी भी है। और सबसे ज़्यादा कमेंट बंगाल टाइगर के लिए आई थी, इसलिए मैंने बंगाल टाइगर परचेज़ किया था, बट वो ओल्ड वाला परचेज़ कर लिया था। बाकी ये ठीक है। और इधर कहाँ भागी, और ये खूब तेज़ भाग रही है, और बाहर स्नो में शायद इसको पसंद आ रहा है। वैसे इसको टेम्परेचर शायद थोड़ा सा नॉर्मल साइड से होता है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर ही चाहिए होता है। देखते हैं अब शायद अंदर भाग जाएगी, और इसके लिए शायद एक हीटर भी मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये अंदर यहाँ पे आ गई, इसके लिए एक हीटर का इंतजाम कर देता हूँ, क्योंकि एक बार जूपीडिया में देख भी लूँ, टेम्परेचर शायद 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है, 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए होता है। और अभी बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो एक हीटर भी इसके लिए लगाना पड़ेगा। ये रहा हीटर, और इस हीटर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके लिए हीटर लग गया, अब इसको थोड़ी सी हीट मिलती रहेगी, यहाँ पे बैठी है इतने। और बाकी जू का स्टेटस देख लेते हैं, बाकी जू में क्या, और ये क्या हैबिटेट में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ चुकी, ये मैकेनिक क्या कर रहा है, इनको बुलाना पड़ रहा है बार बार मुझे, इधर ही मैकेनिक को भेजता हूँ। ये काफ़ी सारे हैबिटेट्स की जो फेंसिंग है वो वीक हो चुकी है, तो ये फेंसिंग जब वीक हो जाती है तो मैकेनिक को बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। पर वो क्या है कि वो इधर उधर जाके बैठे रहते हैं। और ये ऑस्ट्रिच वाले हैबिटेट में भी कोई दिक्कत है, और ऑस्ट्रिच कितने सारे हो चुके हैं, ये ऑस्ट्रिच यहाँ पे हो चुके हैं, ये 1 2 3 4 5 6 11 7 और हाँ 7, तो ये 7 ही है। और लास्ट वीडियो में याद होगा यहाँ पे सिर्फ 2 ऑस्ट्रिच थे, अभी 2 से 7 हो चुके हैं। और ये आया तो है मैकेनिक भाग के यहाँ पे, ये बैठ के जो है स्टाफ रूम में चाय वाय पीते रहते हैं, काम वाम नहीं करते, इनको नॉर्मली कॉल करके बुलाना पड़ता है। अब ठीक है, ये रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, रिपेयर करने देते हैं और बाकी और देख लेते हैं। और अपने जूम में शायद 62 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है, क्या हो रखा है देखता हूँ एक बार। इसका भी, इसको भी मैकेनिक को बुलाता हूँ, बाकी एक बार देखता हूँ पूरा स्टाफ कर क्या रहा है। ये अपना सारा स्टाफ है, तो भी 5 डॉक्टर हैं, 10 कीपर हैं, 2 एजुकेटर मैंने हायर किए, और मैंने 8 मैकेनिक्स हायर किए हुए हैं। ये हैबिटेट में जा रहा है, और ये कम्यूट कर रहा है शायद स्टाफ रूम के पास, और ये बैठ के चाय पी रहा है। अब इसको, इसका एनर्जी लेवल डाउन है, वैसे सबका एनर्जी लेवल डाउन है, इसका एनर्जी लेवल ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास 14 है, सिक्योरिटी गार्ड मैंने काफ़ी सारे हायर कर लिए हैं, और केयर टेकर 17 है। उसके अलावा 14 वेंडर्स हैं जो अपनी शॉप वगैरह पे सर्व कर रहे हैं, और शॉप भी मैंने जो है नए लगा दिए हैं। शॉप दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये इतने सारे विजिटर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे अभी 2400 से ज़्यादा विजिटर है, और अभी फुल भीड़ हो रखी है। और ये यहाँ पे मैंने इनके लिए शॉप्स वगैरह लगा रखी हैं, तो यहाँ भी फुल एकदम, ये रास्ता भी शायद छोटा पड़ रहा है इनके लिए। तो इधर पहले 3 शॉप थी, मैंने यहाँ पे 1 शॉप और लगा दी ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना लगे, बट अभी भी यहाँ भीड़ लग रही है। मुझे लग रहा है मेरे रास्ते भी थोड़े से जो है ना एक्सटेंड करने पड़ेंगे, मतलब थोड़े वाइड करने पड़ेंगे। और बाकी एक मैंने इस साइड यहाँ पे लगाई है बर्नी बैग्स, बट इस साइड कोई आ ही नहीं रहा अभी, तो इस साइड भी देखना पड़ेगा इशू क्या है, क्योंकि यहाँ पे चीता है, लोबाओं को देखने तो आना चाहिए, बट ये रहा कहाँ पे, यहाँ बैठा हुआ है, बट इधर कोई आ ही नहीं रहा। इधर मैंने एक स्टाफ रूम भी बनाया है यहाँ पे साइड में, ताकि स्टाफ रूम गैस वगैरह को दिखे ना। तो ये रहा स्टाफ रूम, ये रहा कीपर रूम, और उनके पावर के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है, बट इधर कोई अभी इतने गेस्ट वगैरह आ ही नहीं रही, एक आध तो मेरे को दिख रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं। तो इधर बताने के लिए मैंने एक साइन भी लगाया है ये वाला, कि इधर चीता है यहाँ पे, बट अभी कुछ और भी करना पड़ेगा, थोड़े से यहाँ बोर्ड वगैरह और लगाने पड़ेंगे। एक बोर्ड मैंने चीता का यहाँ पे भी लगाया था, बट उस साइड अभी शायद 1-2 एनिमल्स और आ जाएंगे, तो उसके बाद शायद और विजिटर्स वहाँ जाने लग जाएंगे। बाकी एक बार जू को देख लेते हैं, मुझे अभी काफ़ी सारे एरर्स दिख रहे हैं। और ये अपनी रिसर्च एक कम्प्लीट हो चुकी है, तो ये कैमल पर जो है रिसर्च हुई कम्प्लीट, और मकैक पर, और बाकी मैं अपने वैट्स और मैकेनिक्स को टाइम टू टाइम जो है रिसर्च करने पर लगाता रहता हूँ। जैसे अभी की वाली वैट जो है खाली है, उसको एलिफेंट पर रिसर्च करने पर लगा देते हैं, तो कुछ ना कुछ नया ढूंढ ही लेंगे, तो जिससे अपना फ़ायदा होगा। और अभी और बाकी एरर आ रहे हैं, तो ये पिकॉक्स की इतनी सारी पॉपुलेशन हो चुकी है कि यार हैबिटेट छोटा पड़ रहा है। और अभी यहाँ पर ये पिकॉक इधर शायद अभी 11-12 तो होंगे, ये रहे यहाँ पर,
और काफ़ी सारे तो मैंने यहाँ से निकाल के एनिमल ट्रेडिंग सेंटर में भेज दिए हैं। तो ये यहाँ पे एनिमल ट्रेडिंग सेंटर है, मैं दिखाता हूँ कितने सारे पिकॉक है मेरे पास। तो ये देख कितने सारे हैं यहाँ पे, ये सारे सारे मैंने इसी हैबिटेट से निकाले और सिर्फ यहाँ पे 4 पिकॉक में लेके आया था और अब शायद 40 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ये सारे के सारे मैं सेल कर दूंगा, बाद में उनका सही रेट मिलेगा। जैसे इसका मुझे भी $77.98 मिल रहा है, तो अभी नहीं इसको सेल करते, बाद में सेल करेंगे, थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। बाकी ये भी एनिमल ट्रेड सेंटर मैंने रखे हुए हैं। और इधर ज़ेब्रा भी जो है लास्ट टाइम 4 थे, अब देख लेते हैं कितना हो गए। तो एक तो अंदर सो रहा है, 3 ये रहे, और इसके अलावा नहीं और तो ज़ेब्रा नहीं है, 4 ही हैं। बाकी ये ब्लैक एंड वाइट लेमार है और ये भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। और काफ़ी सारे उनमें फ़ायदा ये होता है कि बाद में जब बड़े हो जाते हैं इनको मैं ट्रेड करके थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, या फिर इनके लिए और हैबिटेट बना सकते हैं, क्योंकि एक हैबिटेट की लिमिट होती है, या फिर मुझे हैबिटेट को थोड़ा एक्सटेंड करके पूरा एरिया देना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने ज़्यादा लेमार रख दिए थे तो ये आपस में लड़ने लग गए थे, तो उनमें से जो है मैंने कुछ को ट्रेडिंग सेंटर में भेज दिया था और बाद में उनको सेल कर दिया था, तो उनसे मेरे को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। बाकी अपना जो प्रॉपर प्रॉफिटेबल है $37,000 के आसपास डॉलर हो रखे हैं और रेटिंग वगैरह भी ठीक है। बाकी मैंने जू की जो है टिकट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, पहले यहाँ पे अडल्ट्स के लिए $5 था और चिल्ड्रंस के लिए $3 था, तो धीरे धीरे जैसे मैं एनिमल्स ला रहा हूँ मैंने जू का प्राइस भी बढ़ा दिया, अब अडल्ट्स के लिए $40 है और चाइल्ड्स के लिए $35 है। बाकी मैंने मार्केटिंग भी चला रखी है, उस मार्केटिंग से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अभी पोस्टर कैंपेन चलाया हुआ है, सीरियल बॉक्स एड्स लाए हुए हैं और न्यूज़पेपर एडवर्ट्स लाए हुए हैं। बाकी एक बार यहाँ पे अपने देख लेते हैं यहाँ कि किसी ने कुछ तोड़फोड़ तो नहीं मचाई है, तो अभी कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई है, ठीक है। बाकी गैस वगैरह का ठीक है, हैप्पीनेस 68% है और अभी यहाँ पे ये रेटिंग शायद नेगेटिव आ रही है लिटर की वजह से, तो शायद गंदगी वगैरह का हो रखी है थोड़ी। और इधर ये वाला फैंस में भी थोड़ी सी इशू लग रहा है मेरे को, यहाँ पे भी अगर मकैनिक को बुला देता हूँ, एक बार कीपर्स को भी बुला देता हूँ अंदर, वो साफ़ सफाई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ चीता है लेक के दूसरी साइड और इस साइड जगह खाली है, तो यहाँ पे भी किसी एनिमल को ला सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट में एनिमल कौन कौन से अवेलेबल हैं, कोई सही सा एनिमल होगा तो ले लेंगे। तो अभी ये बफेलो वगैरह तो मुझे लेनी नहीं है, ये तो कोई इतनी वो नहीं है, बाकी इनको बाद में लेंगे। और तो ये इंडियन राइनोसीरस मिल रहा है, इसको देख सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और अभी इसके लिए मुझे हैबिटेट बनाना पड़ेगा, इसका हैबिटेट यहीं पे बना लेते हैं, बट इसके हैबिटेट के लिए देखना पड़ेगा इसके हैबिटेट के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये रहा इंडियन राइनोसीरस, और इसके लिए 1/3 meter square का चाहिए, वाटर चाहिए थोड़ा सा बीच में, grade 4 का चाहिए इसका जो बैरियर है, और 2 meter मिनिमम उसकी हाइट होनी चाहिए। तो बाकी इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, 39 years तक की एज है, तो इसके लिए हैबिटेट बनाते हैं। बाकी ये एनरिचमेंट के आइटम्स हैं, ये भी इसके लिए लगा देंगे। और फिलहाल अभी क्या हुआ है, अभी किसी हैबिटेट में क्लीननेस का इशू हुआ है। और ये क्या अपनी फ्लेमिंगो क्या हुआ है, ये तो कुछ इशू हुआ है, यहाँ पे वेट को असाइन करता हूँ दूसरे वाली को, ठीक है, यहाँ वेट को असाइन कर दिया फ्लेमिंगोस के लिए। और फ्लेमिंगोस की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है अब, तो ये फ्लेमिंगोस 4 यहाँ पे है, एक यहाँ बैठी हुई है, एक ये पानी में तैर रही है। और अभी मुझे लग रहा है इनका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि इनके पानी के फिल्ट्रेशन के लिए मेरे को अभी लगाना था, और 2 तो यहाँ पे और भी है, तो 7-8 फ्लेमिंगोस है, एक यहाँ पे ये रही। हाँ, यहाँ पे हैबिटेट क्लीननेस का इशू भी आ रहा है, तो ये वाला पानी भी गंदा हो रहा है और ये पानी तो गंदा हो ही रहा है फ्लेमिंगो वाला, तो इनके लिए मुझे वाटर फिल्ट्रेशन के लिए लगाना पड़ेगा। बाकी इनके वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जो मुझे लगाना है वो मेरे को देखना पड़ेगा, वो ऐसे लगाना है ताकि जो है गैस वगैरह को ना दिखे, क्योंकि उससे नेगेटिव सा थोड़ा सा लगता है। और बाकी मैंने यहाँ पे 4 शोपीस लगा दिए हैं, तो ये बंदर बैठे हुए हैं, तो नीचे मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए, तो ये दोनों साइड सिक्योरिटी कैमरास यहाँ से कैप्चर कर रहे हैं। ऊपर मंकी भी ऐसे देख रहे हैं जैसे सिक्योरिटी कैमरा देख रहा है। तो अभी वाटर ट्रीटमेंट के लिए लगाना है मेरे को, उसमें मेरे को वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये वाला पंप लगाना पड़ेगा, तो इस पंप को लगाने के लिए कवरेज देखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं यहाँ कहीं बीच में लगा पाऊँ तो ये दोनों हैबिटेट्स को कवर कर लेगा, बट यहाँ पे ये गेस्ट को दिखेगा, तो या तो इधर कहीं लगाता हूँ मैं, और फिर इसको मुझे तो किसी चीज़ से ढकना पड़ेगा। तो भी ऐसे तो मुझे कोई जगह नहीं दिख रही, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं जगह बनानी पड़ेगी, तो ये रास्ता पहले मेरे को बंद करना पड़ेगा यहाँ से, और तब यहाँ पे जगह बन पाएगी। तो इस रास्ते को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, तो इस रास्ते को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे कहीं लगा लेंगे। तो ये रास्ता हटा दिया, और अब इधर यहाँ पे कहीं लग जाएगा तो थोड़ा सा विजिबल नहीं रहेगा, इसको मैं कवर कर दूंगा किसी चीज़ से। तो अभी ये तो यहाँ पे नहीं लग पा रहा, उसके लिए मुझे कोई जगह भी नहीं दिख रही ऐसी, तो ये रास्ता वापस बना लेते हैं। इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, शायद थोड़ा अंडरग्राउंड खोद के वहाँ पे लगाना पड़ेगा,
इस रास्ते को मैं वापस बना देता हूँ यहाँ पे, क्यों यहाँ से तो अपने गैस निकल जाएंगे। ठीक है, ये अपने गैस इधर से आ सकते हैं अब। बाकी इसके लिए मैं कुछ और करूँगा, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ पे एक केव टाइप की से बना लूँ, उसके अंदर लगा दूँ और उसको पैक कर दूँगा तो वो गैस को दिखेगी भी नहीं। और अभी देख लेते हैं और क्या इशू चल रहे हैं। अभी तो ये एक इसी का इशू आ रहा है कि फ्लेमिंगो वाले का वाटर जो है क्लीन नहीं हो रहा है। कौन सा है, कॉमोसिस थर्स्टी है, तो इसके यहाँ पे जो है नॉर्मल पानी का बाउल रखा हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर पाइपलाइन वाला बाउल लगा देता हूँ पानी का, जैसा मैंने पहले लगाया हुआ है चीता के वहाँ पे लगाया हुआ है, सबके वहाँ पे लगाया वैसे मैंने वाला। तो ये हैबिटेट में यहाँ पे नॉर्मल, तो ये रहा ये पाइपलाइन वाला है, वो इसमें वाटर पाइप जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ लगा देते हैं तो इनका पानी का इशू ही नहीं रहेगा, इनको पानी प्रॉपर मिलता रहेगा। बाकी इस वाले को हटा देते हैं, इस वाले की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये क्या हुआ है, ये इससे क्या हुआ है, तो अपना एक और कैमल जो है मर चुका है, पहले एक कैमल मर चुका था और दूसरा ये मरा पड़ा है। अब इसको उठा तो लो यार, ये यहाँ पे उठा भी नहीं, मतलब कैमल का हैबिटेट भी खाली हो चुका है। और ये कैमल भी जो है ओल्ड एज का हो गया था तो ये भी मर गया, और अब एक कैमल और परचेज़ करना पड़ेगा। तो अब एनिमल ट्रेडिंग में देख लेते हैं कि यहाँ कैमल भी मिल रहा हो, क्योंकि कैमल का हैबिटेट तो अपना खाली है, पहले दो दो कैमल थे यहाँ पे, अभी कोई कैमल नहीं मिल रहा। मार्केट में देखते हैं, देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कैमल भी मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल इंडियन राइनोसेरस जो लिया है उसके लिए हैबिटेट बना लेते हैं। तो ये अभी डॉक्टर जो है अब मेरे बुलाने पर आई है, ये पहले नहीं आ सकती थी अपने आप ही। तो राइनोसेरस के लिए मेरे को बनाना है, और ग्रेड फोर बनाना था, ग्रेड फोर में भी 1/3 meter square का चाहिए, और बीच में पानी के लिए बनाना पड़ेगा उसका। तो इसके लिए देख लेते हैं ग्रेड फोर वाली कौन सी अपनी, ये स्टील मैश है, ग्रेड फोर वाली है, और ये क्लाइमेबल है, बट उसको तो कोई ऐसा इशू नहीं है, राइनोसेरस तो क्लाइम नहीं कर सकता। तो यहाँ से इस सारा का सारा एरिया जो है इसी के हैबिटेट में ले लेता हूँ, इधर का भी सारा आ जाएगा, और इधर से इतना तो काफ़ी है, इतने में तो हो जाएगा 1000 meter square। और यहाँ थोड़ा रास्ता बनाना है मेरे को, क्योंकि दूसरी साइड भी जगह है, वहाँ पे भी कोई एनिमल रख पाऊँगा, तो इधर से रास्ते के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। तो ये हो गया इसका हैबिटेट, बस मैं गेट लगाना है, तो गेट तो यही वाला मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, गेट को इधर की साइड लगा देते हैं ताकि इस साइड से दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इधर की नहीं रास्ते पे चाहिए गेट, तो इधर रास्ते पे यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा साइड में रहेगा गेट, इतना विजिबल भी नहीं रहेगा। बाकी इसको बुला लेते हैं एक बार यहाँ पे, तो अपना ट्रेड सेंटर में यहाँ पे ये आगे इंडियन राइनोसेरस को यहाँ पे बुला लेता हूँ। और अब इसके लिए मुझे पानी के लिए बनाना था, तो पानी के लिए सेंटर में एक थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, उसको थोड़ा डीप कर दूंगा मैं। तो इतना डीप ठीक है, इतना डीप तो सफिशिएंट होगा, और इसमें डालते हैं पानी यहाँ पे, इधर ऊपर तक भर देता हूँ। बाकी एक बार देख लेंगे कि इसमें राइनोसेरस जो है स्विम करता है या नहीं करता, हो सकता है वैसे ज़्यादा गहरे में कर लेता है आराम से, पानी में तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो अपने कीपर्स उसे लेके आ ही रहेंगे, इतने में हैबिटेट में फूड का और वाटर का इंतजाम कर देता हूँ। तो वाटर के लिए तो पाइप ही ठीक है, इससे पाइप से क्या है कि बार बार कीपर को आगे पानी नहीं डालना पड़ता। और फूड ट्रे लास्ट लगा देता हूँ फूड के लिए, और बाकी एक शेल्टर अभी टेम्परेरी लगा देते हैं, बाद में इसमें शेल्टर बिल्ड करेंगे। तो अभी शेल्टर किधर की साइड लगाऊँ, यहाँ पे काफ़ी जगह है, इधर यहाँ पे लगा देता हूँ शेल्टर ना। तो ये हो गया शेल्टर, और इसमें डालते हैं थोड़ी सी घास अंदर, और एक बार राइनोसेरस का देख लेते हैं उसको टेम्परेचर कितना चाहिए। अगर उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा तो एक हीटर भी लगा दूंगा, तो टेम्परेचर उसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 13 to 40 degrees Celsius चाहिए, तो एक हीटर भी लगाना ही पड़ेगा। तो एक हैबिटेट में हीटर भी इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हीटर यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कितनी देर में आ रहा है, आ गया ये रहा यहाँ पे है, तो ये आ गया राइनोसेरस, और ये इंडियन राइनोसेरस है, तो ये इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, इसलिए इसको 13 to 40 degrees Celsius का टेम्परेचर चाहिए। और वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा आलसी सा लग रहा है देखने में, अभी तो ये मेरे को लग रहा है यहीं खड़ा रहने वाला है, कुछ करने वाला है, पानी वानी में जाएगा। चलो धीरे धीरे इसको घूमने दो, देख लेंगे इसको बाद में आके। बाकी इसकी वजह से हो सकता है कुछ विजिटर्स वगैरह यहाँ पे आने लग जाए, क्योंकि अभी इस साइड तो कोई आ ही नहीं रहा है। अपनी बर्नी बेग भी ऐसी
खाली पड़े हुए है, और यही यहाँ पे एम्प्लॉई बेचारे खाली खड़े हुए, काम ही नहीं है करने के लिए इसके पास। एक सेकंड, यहाँ कौन से एनिमल को बंद कर रखा है? ये एलिफेंट को क्यों बंद कर रखा है इन्होंने? खोलो उसको यार, ये तो अपना एक अकेला एलिफेंट है, ये शायद बाहर निकल के भाग गया होगा इसलिए इसको बंद कर दिया होगा। क्योंकि जब कुछ एनिमल्स फैंस वगैरह तोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो कीपर्स उन्हें बंद करके यहाँ बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि जब तक ये फैंस रिपेयर नहीं होती तब तक उनको बॉक्स से नहीं खोलते। और ये क्या यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं? अबे क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? ये प्रोटेस्ट करते हैं और जब इंस्पेक्टर यहाँ पे आता है विजिट करने के लिए और ऐसे प्रोटेस्टर दिखते हैं तो फालतू में फाइन लगा देता है। और ये प्रोटेस्ट करते हैं मेनली एनिमल्स के लिए कि अगर एनिमल्स को जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो तो ये जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और अपने ये यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह भी अब ठीक हैं, आराम से स्विमिंग कर रहे हैं। और क्रोकोडाइल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसा बना रखा है इधर जाने के लिए, और यहाँ पे एक हीटर लगा रखा है क्योंकि इनको भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। अबे इसको उठा के क्यों नहीं लेके गए अभी तक यार? ये तो कब से मैंने कह रखा है ये यहीं खड़े हुए कर क्या रहे हैं यहाँ पे? उठा लो भाई, इसको उठा के ले जाओ। पांडा को देख लेता हूँ, पांडा को मैंने काफ़ी देर से नहीं देखा है। तो पांडा क्या कर रहा है? सो रखा है ये तो पांडा, उठ गया वैसे। चलो तो ये भी अकेला, इसके लिए मुझे एक पांडा और लेके आना है। तो अभी एनिमल मार्केट में एक पांडा और मिल नहीं रहा, जैसे ही मिलेगा मैं परचेज कर लूँगा क्योंकि ये अकेला काफ़ी बोर सा लग रहा है मेरे को। वैसे देख लेता हूँ क्या होता है, एक बार एनिमल मार्केट में आ ही गया हो तो। यहाँ पे पांडा जायंट पांडा है ये, हाँ जायंट पांडा है तो सही। तो जो अभी जो अपने पास पांडा है वो मेल है या फीमेल है मैं देख लेता हूँ एक बार, वो तो ध्यान भी नहीं है इसका, किधर भाग गया ये रहा। तो ये मेल है तो अभी फीमेल वाले पांडा मिल रही है वो ले लेते हैं। तो ये वाली यहाँ पे फीमेल पांडा मिल रही है और 442 की है, तो ये भी मेरे पास 435 कंजर्वेशन क्रेडिट है। मैं अभी इसमें कितने, ये 436 हो गए, 6 और कम पड़ रहे हैं, तो हो जाए जल्दी से क्योंकि ये लिस्टिंग जो है 2 मिनट में हटने वाली है। 2 मिनट का टाइम और रह गया, अब फटाफट से देख लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा मौका भी निकल जाएगा क्योंकि पांडा इतना ईजिली मिलता नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, मैंने यहाँ केयर टेकर्स को लगाया तो था, बाकी मैंने यहाँ पे ना डस्टबिन नहीं लगा रखी, यहाँ डस्टबिन और प्लेस कर देता हूँ। एक डस्टबिन तो लगा देता हूँ यहाँ पे और एक ये ब्लू वाला लगा देता हूँ यहाँ पे साथ में। तो इधर जो है कूड़ा वगैरह नहीं फेंकेंगे गैस यहाँ पे। और वैसे एक केयर टेकर मैं और हायर कर लेता हूँ यहाँ के लिए, तो स्टाफ में हायर कर देते हैं केयर टेकर क्योंकि बाकी तो मैंने दूसरी जगह लगा रखे हैं। और अभी 448 हो गया है कंजर्वेशन क्रेडिट, तो देख लेते हैं लिस्टिंग अगर है तो परचेज कर लेते हैं। तो ये है 442 में मिल रहा है, चलो अडॉप्ट कर लिया। चलो एक फीमेल पांडा और आ गई, तो मतलब 2 पांडा हो गए। अब इसको सीधा भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके खाने पानी का इंतजाम तो मैंने कर ही रखा है, वैसे 2 पांडा के लिए तो जगह काफ़ी सफिशियंट है ये। और बाकी बारिश फिर से शुरू हो गई है, ये अपना केयर टेकर जो ने हायर किया ये भी यहाँ सफाई करने आ गया, तो ठीक है सफाई बढ़िया कर रहा है। और पहले मैंने केयर टेकर काफ़ी सारे हायर किए थे बट उनको मैंने एरिया असाइन किया हुआ है अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से। इधर के हैबिटेट बाद में बनाए थे तो इधर शायद वो सफाई करने आते ही नहीं है इतनी ज़्यादा, कभी कभार आते हैं। वैसे मैकेनिक तो यहाँ पे आया हुआ है, मैकेनिक तो ये विजिट कर रहा है यहाँ पे, तो मैकेनिक टाइम टू टाइम विजिट करके चेक करता रहता है सारी फैंसिस को, जहाँ पे भी कोई दिक्कत वगैरह हुई होती है उसको हैंड टू हैंड रिपेयर करता रहता है। और अभी पांडा का वेट कर रहा हूँ मैं, फीमेल पांडा वैसे आने वाली ही होगी, अपना कोई कीपर लेके आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे है, इन ट्रांजिट है। और अभी जू का बैलेंस भी जो है $50,000 से ऊपर हो चुका है, तो अब जू काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो चुका है। तो अब मैं काफ़ी सारे बड़े बड़े हैबिटेट बना सकता हूँ, काफ़ी सारे उनमें कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, काफ़ी सारे एनिमल्स ला सकता हूँ। और एनिमल्स कितनी देर में आने वाला है? आ गया आ गया आ गया। तो यहाँ पे दूसरी पांडा भी आ चुकी है, तो ये हो गया मेल पांडा और ये बैठ गया आराम से। क्या खा रहा है ये यहाँ पे, इसको खाना डाला ये खा रहा है। और वो रही फीमेल पांडा, और फीमेल पांडा मेरे को थोड़ी सी तो कुछ निशान से हो रही है, हेल्दी नहीं है क्या? तो अपनी वेट एक बार इसको प्रॉपर चेक कर लेगी और अगर कोई इशू होगा तो वो उसको हैंडल कर लेगी। बाकी ये वाला पांडा यहाँ पे मज़े से खा रहा है, तो अभी इस पांडा को खा देते हैं। और बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।